अब मैं ये दावत देने जा रहा हूँ। जनाब उन्हीं की वजह से ये महफिलें आज हम लोग एक दूसरे के पास अगर आए हैं, मिल के बैठे हैं, तो उन्हीं की वजह से हैं। जहाँ भी जाते हैं उनकी वजह से रौनकें होती हैं। तो ऐसी शख्सियत अगर हमारे अंदर है तो हम हैं, इनके बगैर हम भी किसी काम के नहीं हैं। जिनके नाम से हमारी ये बज़्म है, बज़्म फिक्र, तो मैं उन्हीं शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। जनाब शमसा शहबाज फिक्र साहब पाकिस्तान के खजाना नगार, मजा नगार काफ़ी किताबें लिख चुके हैं और उनकी कुछ किताबें बहुत मशहूर हैं। हादसे और बहुत सारी किताबें उनकी आ चुकी हैं और बहुत जल्द और भी आ रही हैं। मैं सर का बहुत मशहूर हूँ कि सर आने वाले बहुत मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और अपना कलाम अखबार की नजर करें। तो शेर ऐसे लूटा कभी वैसे लूटा, ऐसे लूटा कभी वैसे लूटा, उसने कैसे कैसे ऐसे लूटा कभी वैसे लूटा, उसने कैसे कैसे लूटा। अरे हम तो वैसे लूटते गए, उसने जैसे जैसे लूटा, उसने जैसे जैसे लूटा। गजल कड़कड़ांदी धुप चढ़ी सी ते मेरे लिए वो आन खड़ी सी ते कली पाले दी ठंडी थार चढ़ी सी ते नंगे पैरी वो आन खड़ी सी ते मैं उसकी परवाह नहीं कीती, उन्हों मेरी फिक्र पड़ी सी, मैं उसकी परवाह नहीं कीती, उन्हों मेरी फिक्र पड़ी सी ते हंजुआं दी थां रखती मैनू। रफीक साहब हंजुआं दी थां रखती मैनू, मैनू इन्नी थां पड़ी सी ते पांपड़ दे विच मैसां लोको, पांपड़ दे विच मैसां लोको ते मैथों बोला ओ सड़ी सी ते वाइजा दा क्यों बेदा लाया, वाइजा दा क्यों मेदा लाया, मैनू एक अजान बड़ी सी, मैनू एक अजान बड़ी सी ते लोकी कहते बुढ़ी माए, लोकी कहते बुढ़ी माए, मैनू ओदी छां पड़ी सी, मैनू ओदी छां पड़ी सी ते जन्म जायू ओ मरी सी ते सब तो औखी ओ कड़ी सी, जन्म जानी ओ मरी सी ते सब तो औखी ओ कड़ी सी ते करो दुआवां जन्नत दियां हुण, करो दुआवां जन्नत दियां हुण ते जन्नत ओदे पैरां विच पड़ी सी ते सारे जगदा मैं की करना, सारे जगदा मैं की करना, मैनू मेरी मां पड़ी सी, मैनू मेरी मां पड़ी सी, मैनू मेरी मां पड़ी सी।